दोस्तों आप सबको स्वागत है मेरा चैनल पे। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और मेरा आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। थाईलैंड का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। वैसे तो ये देश बुद्ध धर्म को मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ के 95% लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आज भी भगवान राम और विष्णु की पूजा होती है। यह का राज परिवार अपने आप को भगवान राम के बेटे कुश का वंशज मानते हैं। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा लोग यात्रा करते हैं। इसकी राजधानी बैंकॉक है। इसकी जनसंख्या 7 करोड़ के आसपास है। थाईलैंड विदेशी पर्यटन से पैसा कमाने के मामले में इस साल फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा देश बन गया है। थाईलैंड की पर्यटन में आगे बढ़ने का पीछे भारत है। भारत की बात चीन का भी इसमें योगदान है। आखिर भारतीय को थाईलैंड क्यों पसंद है? नई दिल्ली से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। जो भारतीय अपने देश में फ्लाइट से सफर करते हैं, उनके लिए बैंकॉक का किराया भी बहुत ज्यादा नहीं है। आज की तारीख में 8 से 10 हजार के किराया में फ्लाइट से बैंकॉक पहुंचा जा सकता है। थाईलैंड अपने खूबसूरत बीच के लिए जाना जाते हैं। थाईलैंड के बीच की खूबसूरत दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। भारतीय के लिए थाईलैंड से खूबसूरत कोई बीच आसपास नहीं है। नजदीक और सस्ता होने के कारण भारतीय थाईलैंड को खूब पसंद करते हैं। भारत के साथ थाईलैंड की सांस्कृतिक रिश्ता भी है। थाईलैंड के लोग बुद्ध धर्म को पालन करते हैं। ऐसे में भारत थाईलैंड के लिए कोई अजनबी देश नहीं है। थाईलैंड के जरिए पूरे उपमहाद्वीप को सस्ते में घुमा जा सकता है। भारतीयों में नीला पानी और समुद्र तट की सफेद रेत को लेकर काफी दिलचस्पी रही है। भारतीय के लिए थाईलैंड की वीजा पाना बहुत ही आसान है। यहाँ तक कि ऑनलाइन भी थाईलैंड की वीजा के लिए अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों आप सुनकर हैरान होंगे, थाईलैंड की टूरिस्ट वेबसाइट का कहना है कि बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ आते हैं जो सेक्स की चाहत मन में सांझाए रहते हैं। दोस्तों थाईलैंड का नाम लेते ही आपको पार्टी और बीच का याद आने लगते हैं। घूमने के लिहाज से ये देश दुनिया में काफी लोकप्रिय है। दोस्तों अगर आप यहाँ घूमने जाने का प्लान बना रहे तो इस देश की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में जरूर जानें। इस देश में अंडरवियर पहने बिना घर से बाहर निकलना गैरकानूनी है। यहाँ का लोग भगवान की तरह अपने राजा रानी को पूजा करते हैं। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों की प्रजातियों का 10% थाईलैंड में पाए जाते हैं। बैंकॉक दुनिया के सबसे गर्म शहरों में से एक है। यहाँ का सबसे ज्यादा गर्म महीना अप्रैल होता है। थाईलैंड में 40,000 से अधिक मंदिर है। इनमें से किसी में भी जूता पहनना मना है। थाईलैंड एक ऐसा शहर है जो प्रोस्टिट्यूट में बदनाम है। यहाँ 28 लाख से ज्यादा प्रोस्टिट्यूट रहती है। इस शहर का नाम पटिया है। यहाँ सरकार हर साल प्रोस्टिट्यूशन के जरिए लगभग $5 बिलियन का फायदा लेता है। यह पैसा कमाने के लिए इतना दिलचस्पी है कि दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट की किसी भी तरह की डिमांड पूरी की जाती है। टूरिस्ट की डिमांड पूरी करने के लिए कम उम्र की युवतियों को इस धंधे में धकेले जाते हैं। पटिया में 1000 मसाज पार्लर है। मसाज पार्लर की संख्या सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी देश में क्या हालत होंगे। तो दोस्तों ये था कुछ कारण जो भारतीय थाईलैंड जाना क्यों पसंद करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाएगा।